तो गाइज़ कल मैं गई थी बाहर, तो मैंने वहाँ से आप लोगों को दिखाई थी कि मैंने देखी है, मैंने तुरई की भाजी ली थी वहाँ से। ये है गाउटी, एकदम भाजी मस्त, ये है तुरई। और साथ ही में मैंने ली थी ये चिचुंडा, तो अभी मैं इसको साफ़ करी। तो गाइज़ ये ऐसा होता है ना, तो इसके ऊपर का मैंने पूरा वो ऐसा चाकू से ऐसा ऐसा करके निकाली, और इसके अंदर होती है बीच, मैंने उसको भी निकाली। इसको भी हम सेम ऐसे छोटा छोटा सा काटेंगे। ये दोनों मुझे ना सेम लगते हैं, सेम बोले तो जैसा है बहन भाई लगते हैं। ये भाजी और ये भाजी दोनों ना सेम होती है, खाली ये थोड़ी सॉफ्ट होती है और ये कड़क होती है। तो ऐसा लगता है ये बहन भाई चेकर के। बस अब मैं यहाँ पे डालूंगी झींगा, ये झींगा डाल के आज मैं बनाऊंगी भाजी। ये दोनों भाजी अलग अलग बनाऊंगी, ये अलग बनाऊंगी, ये अलग बनाऊंगी। तो अभी मैंने पहले मैं यहाँ पे तुरई चढ़ाई हूँ, तुरई के लिए कांदा। तो अभी कांदा सॉफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें झींगा डाल के, नमक डाल के थोड़ा सा मस्त इसको फ्राई करेंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने इसको काट लिया। अभी इसमें ना मैं थोड़ा सा नमक ऐसा डालूंगी और इसको ना मिक्स कर दूँगी, जैसा हम करेले की भाजी को भी ऐसे ही करते थे, नमक डाल के थोड़ा सा मिक्स हाथों से। बस अब इसको ऐसे मिक्स करूँगी और फिर इसको वॉश करूँगी। बहुत सारे लोग ना थोड़ा सा नमक डाल के इसको ऐसे भी डाल देते। अब इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, तो अभी नहीं करूँगी, थोड़ा 10-15 मिनट, क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी इसके लिए, है ना। तो चलो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है तुरई की भाजी मेरी हो रही है तैयारी। बहुत गड़बड़ गड़बड़ है गाइस, मैं आपको बताऊँगी कि सुबह से मैं आज क्या गड़बड़ में फंसी हुई थी। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं 9:30 बजे से बहुत बड़ी गड़बड़ में थी। मैं वीडियो शेयर करना चाहती थी बट मैं कर नहीं पाई वहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या गड़बड़ में थी। थोड़े टाइम से आराम से फुर्सत से नमाज़ वगैरह सब कुछ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज़ अभी हमारा खाना बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है चावल, ये बनाई हूँ मैंने दाल, फल्ली डाल के सेंगट की, और साथ ही साथ यहाँ पे है तुरई, झींगा। अभी झींगा बहुत आ रहा ना मार्केट में, तो अभी हम लोग गाइस झींगा ही झींगा खाएंगे। और ये है चिचुंडा और झींगा, और यहाँ पे हमारी प्लेट रेडी है। तो चलो अभी हम लोग खा लेते हैं। अभी मेरी नमाज़ भी हो चुकी है, मैंने नमाज़ पढ़ी, अभी नमाज़ पढ़ के हो गया तभी मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, अभी बज रहा है 3। तो गाइस चलो अभी आप लोग भी आइए खाना खाने, मिलते आपसे खाने के बाद। हमारे यहाँ तो गाइज़ हमारे यहाँ पर हो रही थी ये नियाज होती है, यहाँ पे 51 डेग बनते हैं, खिचड़ा बन रहा था, तो ये सब खिचड़े की तैयारी हो रही थी। अभी यहाँ पे बहुत मंडप बनेगा बहुत बड़ा, और यहाँ पे ना ये झाड़ बहुत बड़ा हो चुका था, तो ये झाड़ कटिंग कर रहे थे। तो आप देख सकते हो ये बंदा बेचारा कहाँ पर खड़े रह कर ये झाड़ काट रहा था, इतना डर लग रहा था। ये मशीन की ना बहुत आवाज़ थी, इसलिए मैंने वो आवाज़ हटा के अपनी आवाज़ में मैंने बोली, ये मशीन इतना ऊपर से, ये बंदा देखो इतना, ये यहाँ का पूरा इन लोगों ने रास्ता भी बंद कर दिए थे। ये देखिए ये जब काट रहा था ना, मुझे उसको देख देख के इतना डर लग रहा था। मैं तो आ गई थी उसके डैडी को, ली थोड़ी सी इसकी शूटिंग कर लो। और हम लोग के इधर पे ना गाइस खिचड़े की आम दावत होती है, माशाल्लाह यहाँ का खिचड़ा बहुत ही अच्छा था, पूरे बम खाने में पूरे लोग ये खिचड़ा खाने के लिए आते हैं। ये देखिए RCD मॉल के आगे बिल्डिंग है। और मैं सो गई थी जब से उठी, उसके बाद मैंने कुछ वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि ना आज मैं थोड़ा सा ना अपने पड़ोसियों से बात करते बैठ गई थी, थोड़ा सा आज गॉसिप कर रहे थे, गॉसिप, इसके लिए टाइम नहीं मिला वीडियो, क्योंकि वो लोग वीडियो में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो अभी मैं मेरा बेटा बैठे, आज पता नहीं आज खाई मस्त, नमाज़ वगैरह वो सब हो चुकी थी मेरी, और फिर मैं सोई तो मतलब मोबाइल देखते देखते नींद लग गई, मोबाइल एक साइड पड़ा हुआ था और मैं सो चुकी थी फिर, क्योंकि आज राफिद भी घर पर था, आज राफिद को नमाज़ पढ़ने जाने की थी, तो बोलता मम्मी आज मेरे को नमाज़ जाना है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो फिर मैंने भी उसको बोली ठीक है तो घर पे है तो ठीक है तू नमाज़ चले जाना है, तो आज मैंने उसकी छुट्टी करा ली थी। कल जो मैंने ब्लॉग डाली, प्लीज़ आप लोग सब लोग देख के इन्जॉय करे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद मेरे ब्लॉग देखे, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, हाँ क्या है वो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओ माय गॉड, ये धुआँ कहाँ से आया है। तो गाइज अभी मैं जा रही थी अपना काम करने, बट ये आया है ना राइट, तो मेरे को ना सता रहा है, काम करने जाने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है मुझे, दोनों भाई लोग ना मस्ती कर रहे हैं, अब मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहा। आज वैसे तो मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, आज मेरा कपड़ा धोने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, आज मुझे बहुत बोर हो रहा है। अभी देखते हैं मेरी बेटी की शादी कराऊँगी जल्दी जल्दी, फिर वो बहू लेकर आएगा, वो कपड़ा धो के देगी मेरे को, देखती हूँ अभी मेरे राइट की शादी कराती हूँ अभी जल्दी कर रहे हैं शादी के बाद। तो चलो गाइज मैं मिलती थोड़े टाइम में, ये ना कुछ भी बोलते रहते हैं ना ये। तो गाइज मेरा सारा काम हो चुका है, अब मैंने पानी भी भर लिया, आज मैंने कपड़े नहीं धोई हूँ, मुझे बहुत बोर हो रहा है, तो मैंने पानी भी भर दी हूँ,
बर्तन वर्तन सब हो चुका है, रोटी भी बना के हो गया। मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ अपनी चाय, और रात के बज रहे हैं भाई, कितने बज रहे हैं, 10:30 हो गए। पता नहीं ये चाय और मेरा क्या रिश्ता है कि जब भी मैं किचन में जाती हूँ ना तो ये चाय मुझे अपने पास बुला लेती है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं चाय नहीं पीऊँ, क्योंकि मेरे घर वाले लोग मुझे सब लोग चिल्लाते हैं कि तू बहुत चाय पीती है, इसके लिए मतलब तेरी हेल्थ नहीं होती थी। पहले तो सब ऐसा बोलते थे कि इससे तू मोटी नहीं होती, लेकिन नहीं माशाल्लाह तो मैं तो मोटी हो गई हूँ। तो नहीं गाइस, कोई मैं तो रोज़ ही खुश रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुदा का लाख लाख शुक्र है, उनका शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर मिला, इतने अच्छे लोग मिले कि मैं खुश हूँ मेरे घर में। मेन तो मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे को समझ के लेते हैं, मेरी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को वो समझ के लेते हैं। तो अल्लाह के करम से बस कभी किसी की नज़र ना लगे, माशाल्लाह बोलना, आप लोग भी कमेंट में माशाल्लाह लिखना। हम लोग दोनों की जोड़ी माशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ के लेते हैं। मैं गुस्सा भी करूँगी तो वो मुझे गुस्सा नहीं करते, उनको पता है कि मेरा गुस्सा बहुत, मैं जब गुस्से में आती हूँ ना गाइस तो इधर कुछ होता है, और इधर होने से ना मैं एकदम पार हो जाती हूँ गुस्से के, कुछ तो होता है, तो इसके लिए वो मुझे समझ के लेते हैं। बस यही है मेरे में कि टेंशन तो कुछ नहीं, अल्लाह के करम से मैं माशाल्लाह मेरे बच्चे भी सब अच्छे हैं, और अल्लाह ताला ने जैसा भी मुझे रखा है, जिस भी हालत में रखा है, मेरे खुदा का मैं लाख एहसान अदा करती हूँ कि जितना मैं उनका एहसान अदा कर पाऊँ तो भी नहीं कर पाऊँगी। मेरे खुदा का बहुत ही माशाल्लाह, मेरे खुदा ने मुझे अच्छे से रखा है, नहीं तो शादियों के बाद में बहुत सारी लड़कियों को ना बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह के करम से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे समझने वाला एक अच्छा इंसान मिला है, ऐसा है। तो अभी कोई नहीं, तो देखो मैंने यहाँ पे अभी दूध गर्म करी, तो फिर मेरा मूड हो गया कि मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। बस मेरे साथ यही होता है कि ना मैं बार बार चाय पीती हूँ, मुझे सब चिल्लाते रहते हैं। अब ये मेरा 5वीं बार है, अभी बज रहा है 10:30, ये मेरा 5वीं बार है कि मैं अभी चाय लेके बैठी हूँ। तो पता नहीं क्या है ऐसा कि मुझे चाय की इतनी तलब लगती है, मुझे खाने पीने की तलब नहीं लगती, मैं शाम के टाइम जल्दी कुछ खाती नहीं हूँ, एक चाय की मुझे तलब लगती है। तो मैं कितना सोचती हूँ कि मैं नहीं पीऊँ नहीं पुला, और आप लोगों ने सुने होंगे बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वो सीन मेरे साथ ऐसा है। मैं ऐसा सोचती हूँ, दिखती है मुझे तलब आती है कि मैं पीऊँ नहीं पीऊँ, लेकिन मैं पी लेती हूँ जाके, ऐसा हो गया। तो गाइस हमारे घर पे कोई मेहमान आया है ये खाली हंस ही सकती है, मैं इसको दिखा नहीं सकती हूँ, अरे नहीं दिखा रही हूँ, मेरे तरफ कैमरा, डरती है बेचारी क्योंकि वो फेमस नहीं होना चाहती है अलग किस्म का डर है। सुने सही पकड़े। तो गाइस ये रीदा जो है ना बिचारी, मैं जब भी बुलाऊंगी ना तो ये आ जाती है, इसके लिए मेरा ऐसा दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन इसके लिए मेरा दरवाज़ा खुला है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भिड़कम ये ना मेरे से बहुत छोटी है, लेकिन ना मेरे से बहुत मस्ती करती हूँ इन लोग के साथ में, मस्त टाइम पास करती। और एक है हमारी चेली, अभी आजकल वो ना वो कौआ बन के घूमती है आफरीन अपनी आ नहीं रही है बहुत दिन से। आफरीन, तू मेरा ब्लॉग देखती है मुझे पता है इसलिए मैं तेरी बुराई कर रही हूँ थोड़ी सी। तो चलो अभी रीदा से कुछ काम कराना, उसे वो काम करा के लेते, फिर आपसे मिलते हैं।